पच्चीस हजार रुपए महीना आमदनी कमाते हैं एक पाकिस्तानी सिंगापुर में कितने कमाते हैं एक साल में पचपन हजार डॉलर साल के स्वीडन में कितने कमाते हैं पचपन हजार डॉलर साल के अमेरिका में कितने कमाते हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर साल के ये क्यों कमा रहे हैं ये ओवरऑल सबकी टोटल आमदनी को हमने पॉपुलेशन से डिवाइड किया उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम क्योंकि हम अमेरिका कभी गए नहीं हैं तो हम अमेरिका में नौकरी कैसे करेंगे तो हम अमेरिका में पहले नौकरी नहीं ढूंढेंगे क्या ढूंढेंगे इंटर्नशिप इंटर्नशिप क्यों ढूंढेंगे जब हम एक नई दुनिया में एंटर हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में इंटर्नशिप से शुरू करना चाहिए जाके हमें उनके नॉर्म्स का पता हो और उन्हें हमारे नॉर्म्स का पता हो अब मुमकिन है कि पार्कर में बैठ के कोई लाख रुपये महीना कोई पाँच लाख रुपये महीना की नौकरी कर सकता है तो आपको रिमोट जॉब वाली बनाने का जो मेरा इंटरेस्ट है वो ये है कि आपसे लोग आके सवाल करें पूरे मुल्क में कोई एक इंसान ऐसा नहीं था जो कहता हो कोई सवाल है रिमोट जॉब के हवाले में ये मेरी दुकान है आज सवाल कर लो पूरे मुल्क में कोई नहीं था फ्री में भी नहीं था और पा, पांच डॉलर देके दस डॉलर देखे बीस डॉलर देखे असलम अब्रीवान आज मेरे साथ अदद रिमोट जॉब वाले हैं एक मनाहल रिमोट जॉब वाली हैं और एक तैमूर रिमोट जॉब वाले हैं ये रिमोट जॉब क्या होती है किस तरह काम करती है इससे रिलेटेड हम आज गुफ्तगु करेंगे सवालों के जवाब मैं दूंगा जितना मेरे पास इलम है आ, उसके अलावा इनके अलावा भी दो और रिमोट जॉब वाले भी हमने बना दिए हैं इसका मकसद ये है कि आपको रिमोट जॉब से हवाले से जो भी सवाल हो आप इनको इनबॉक्स करें और ये आपको हेल्प करेंगे उनके जवाब ढूंढने में हो सकता है इनके पास जवाब ना हो तो ये जवाब ढूंढेंगे जवाब ढूंढ के उसकी वीडियोस बना देंगे और इंटरनेट पे डाल देंगे जाके आप रिमोट जॉब हासिल कर सकें रिमोट जॉब होती क्या है रिमोट जॉब दो लफाजों का मजमु है एक है रिमोट जैसे रिमोट कंट्रोल होता है जो कि दूर से करने के लिए इस्तेमाल होता है और जॉब नौकरी को कहते हैं रिमोट जॉब की मैं बात इसलिए क्यों कर रहा हूँ ज़्यादा रिमोट जॉब की बात इसलिए मैं ज़्यादा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग नौकरी करना चाहते हैं ऑन्टरप्रेनर नहीं बनना चाहते बिज़नेस नहीं बनाना चाहते ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कि सब लेकिन ज़्यादातर लोग तो जो लोग नौकरी की तलाश में होते हैं हर वक्त परेशान रहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही नौकरी नहीं मिल रही और वो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं लाखों करोड़ों लोग इस वक्त नौकरी कर रहे हैं ना जो कि चालीस हज़ार रुपये की तीस हज़ार रुपये की पचास हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं एक अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा है कोई बीकॉम है कोई एमबीए है कोई इंटर पास है लेकिन कोई नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी को अब वो दूर कैसे करे उस मुल्क में कैसे करे उस मुल्क में जाए बगैर जाके उसकी आमदनी बढ़ जाए तो यानी अगर वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है तीस हज़ार से पचास हज़ार रुपये कमा रहा है तो वही एग्जैक्ट नौकरी वही एग्जैक्ट वही नौकरी अब उसने दूसरे मुल्क में करनी है वो नौकरी कैसे मिलेगी और उसको करने के नतीजे में आपकी आमदनी डबल ट्रिपल दस गुना हो जाएगी क्यों हो जाएगी इसलिए हो जाएगी कि आपका मुल्क के अंदर जो पर कैपिटा इनकम यानी एक साल में जो इंसान पैसे कमाते हैं टोटल सारे वो कमाते हैं एक हज़ार डॉलर साल का एक हजार डॉलर साल का महीने साल का कितने हुए तीन लाख रुपए तीन लाख रुपए का मतलब हो गया तकरीबन पच्चीस हजार रुपये महीना आमदनी कमाते हैं एक पाकिस्तानी सिंगापुर में कितने कमाते हैं एक साल में पचपन हज़ार डॉलर साल के स्वीडन में कितने कमाते हैं पचपन हज़ार डॉलर साल के अमेरिका में कितने कमाते हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर साल के ये कौन कमा रहे हैं ये ओवरऑल सबकी टोटल आमदनी को हमने पॉपुलेशन से डिवाइड किया उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम ठीक है एक, एक आदमी की इतनी इनकम है जैसे आपके घर में पाँच आदमी रहते हैं घर की टोटल आमदनी हो गई पाँच लाख लेकिन पाँच लाख में से चार लाख अब्बा कमाते हैं बच्चे बीस बीस हज़ार कमाते हैं लेकिन टोटल कितनी हो गई पाँच लाख तो एवरेज क्या निकालेंगे पाँच को डिवाइड कर देंगे पाँच से तो एवरेज आ जाएगी पर कैपिटल इनकम घर की तो एक लाख रुपये अब हमने करना यह है इस रिमोट जॉब में कि लोगों को गाइड करना है कि आप बजाय इसके कि कराची लाहौर इस्लाम कोयटा मर्दान में नौकरी ढूँढें आपने नौकरी कहाँ ढूंढनी है सिंगापुर में स्वीडन में हनॉरवे में यू में अमरीका में ऑस्ट्रेलिया में बगैर जाए ये कैसे होगा भाई बगैर जाए कैसे नौकरी ढूंढ लेगी सबसे पहले तो ये सवाल आ जाता है कि शायद बगैर जाए कैसे नौकरी मिल सकती है राइट तो ये है दिमाग का आ, अंदर एक छोटी सी चैटिंग का प्रॉब्लम हमें आप लोगों को ये तरगीब देनी है कि आप पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएँ कहाँ जाएँ इंटरनेट पर आप इंटरनेट के बाशिंदे बन जाए पाकिस्तान के की छोड़ दें इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि सर फिर एग्जांपल मुझसे आप कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं मैं कहता हूँ मैं फेसबुक पर रहता हूँ आपसे कहाँ इस वक्त मुलाकात होगी आपके हाथ में होगी आप बटन दबाएं मैं जिनकी तरह हाज़िर हो जाऊंगा है ना व्हाट्सएप पे बटन दबाएं वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा अब ये कितने लोग बोलते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा लोग नहीं बोलते ज़्यादातर लोग इसे आप कहाँ हैं किस शहर में हैं खाने पर कब मिलेंगे चाय पे मिलेंगे सीधे मुद्दे पर नहीं आते टेढ़ी टेढ़ी बातें करते रहते है ना काम होगा कुछ और कहेंगे चाय पर कब मिलना है हालांकि चाय का कोई काम नहीं है वहाँ पर बात कुछ और करनी है और आ, मुद्दा कुछ और है लेकिन घुमा फिरा के हम बातें करते हैं तो हमने थोड़ा सा लोगों को सीधा रास्ता भी बताना है सीधा उन रास्ता कौन सा है जो अल्लादिल्ला बोलते हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया इनाम कित पे किया हुआ है आजकल दुनिया में अमरीकनों पे स्वीडन पे नॉर्वे पे यूके पे ऑस्ट्रेलिया पे उनके ऊपर जो इनाम किया हमें उनके रास्ते पे थोड़ा सा चलना है <laughs> सीधा रास्ता नज़र <ना> आ जाए <laughs> अच्छा तो कैसे मिलेगी नौकरी कैसे मिलती है पाकिस्तान में 90 परसेंट नौकरी इस तरह मिलती है कि किसी का कोई बच्चा ग्रेजुएट कर जाता है को तो मिसाल के तौर पे कैप्टन साहब का बेटा ग्रेजुएट कर गया तो वो किसी तीन चार दोस्तों को अपने मैसेज करेंगे यार मेरा बेटा ग्रेजुएट कर गया बड़े अच्छे नंबर आए हैं ये उसकी सी है कोई अच्छी नौकरी हो तो बता दीजिएगा अगर ट्राई करते रहे नौकरी लेने लगी तो दो महीने बाद कैप्टन साहब का मैसेज दोबारा आएगा यार वो नौकरी ढूंढ रहे थे अब इंटर्नशिप ही लगवा दो मैं गलत तो नहीं कह रहा तो हम ऐसे ही तलाश करते हैं सबके लिए काम पहले तलाश करते हैं इंटर्नशिप और कहते हैं यार ये बच्चा छोटा है इसको कहीं तो लगवा दो जैसे अयान भाई छोटे हैं तो उनको अम्मी बोलेंगी आप दुकान पे जाके बैठना शुरू करें तीन महीने कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे आपको शागिर्दी में बैठ जाएं तीन महीने में आप क्या काम कराएंगे उससे चाय ले आओ पानी ले आओ बिल पे कर दो दरवाज़ा बंद कर दो दरवाज़ा खोल दो वो क्या कर रहा है ये सब तो कर रहा है लेकिन सीख रहा है हर चीज़ कि वो दुकान काम कैसे करती है उस दुकान कितने बजे खुलती है कितने बजे बंद होती है और जो मालिक है वो देख रहा है ये आता कितने बजे ज़्यादा कितने बजे डंडी कितने मारता है पैसे तो कैसे, पैसे में डंडी तो नहीं मारता टाइम की पाबंदी करता ही नहीं करता कितना मुलायम है कितना मुस्कुराता है उसके हिसाब से तीन महीने जज करने के बाद एम्प्लॉयर कहता है इसको ये ये काम दे देते हैं एग्जैक्टली यही चीज़ हमें अमेरिका में करनी होगी सीखनी पड़ेगी क्योंकि हम अमेरिका कभी गए नहीं हैं तो हम अमेरिका में नौकरी कैसे करेंगे तो हम अमेरिका में पहले नौकरी नहीं ढूंढेंगे क्या ढूंढेंगे इंटर्नशिप इंटर्नशिप क्यों ढूंढेंगे जाके हमें उनके नॉर्म्स का पता हो और उन्हें हमारे नॉर्म्स का पता हो हम उनको ऑब्ज़र्व करें वो हमें ऑब्जर्व करें वो हमें ट्राई करें हम उनको ट्राई करें अगर हमारी सही चलती रही तीन महीने तो वो खुद ही कहेगा कि यार तुम तो बहुत मेहनती हो यार एक काम करो ना ये बन जाओ ये जॉब ले लो तुम ये जॉब ले लो तुम क्योंकि तुम तो इतने एफिशिएंट हो कि तुम फारेग क्यों बैठे हो इंटर्नशिप क्यों कर रहे हो लो तुम्हारी जॉब लगा दी अब ये है तरीका जॉब ढूंढने का लेकिन पाकिस्तानी जो एक आदमी है जब वो ग्रेजुएट करके आता है तो अब्बा किस को फ़ोन करते हैं टॉम सॉरी इमरान फुर्कान और ख़ान साहब ये उनके तीन दोस्त हैं जो करीबी हैं उनको बोलते हैं लेकिन अगर अब्बा के कोई दोस्त हो इनका नाम है टॉम एक का नाम है जॉन एक का नाम है हैरी तबा टॉम को कहेंगे ना अब है टॉम यार मेरा बच्चा बड़ा हो गया है वो ग्रेजुएट हो गया यार इंटर्नशिप तो लगवा दो टॉम कहाँ रहता है कहीं ऑस्ट्रेलिया में रहता है कहीं सिडनी में रहता है कोई लंदन में रहता है हैरी साहब जो है, वो भी कहीं किसी और मुल्क में रहते हैं इमरान और ख़ान साहब तो सभी मोहल्ले कोई खारा दर में है कोई मीठा दर में है कोई कोई नाजमाबाद में रह रहा है राइट तो यहाँ पर क्या पाँच लाख की इंटर्नशिप कौन देगा डेढ़ हजार डॉलर इंटर्नशिप के कौन देगा वो देगा? स्वीडन में भंगी की तनख्वाह होती है पंद्रह लाख रुपए महीना तो अब आप भंगी की जॉब तो ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आपने अब जॉब भी कौन सी ढूंढनी है आपने ऐसी जॉब ढूंढनी है जो कि आप कंप्यूटर पर बैठ के कर सकें कोई भी ऐसा काम जो आप कंप्यूटर पर बैठ के कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग इंटरव्यूंग वर्चुअल असिस्टेंट अकाउंटिंग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग मार्किटिंग तो ये सारी जॉब वो हैं जो कि आप जो काम कंप्यूटर बैठ के करना है वो कंप्यूटर यहाँ रखा हो या न्यूयॉर्क में रखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटरनेट सेम है बिजली आ रही है नहीं आ रही कोई फ़र्क नहीं पड़ता यू लगा हुआ है और बैठ जो कंप्यूटर है दो घंटे तो चलता ही है ना बगैर बिजली के भी। तो दो घंटे तो आई जाएगी फिर बिजली दो घंटे नहीं तो पैसे आएंगे तो यूपीएस लगवा लेंगे सोलर लगवा लेंगे है ना पैसे तो कमाए फर्क क्यों है पाकिस्तान में आप के की मील खाने जाती हैं आपका फेवरेट है तो वहां पे आपको मिलता है वो मील पाँच चार सौ पचास रुपए का चार सौ पचास रुपए को आप डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनते हैं वन पॉइंट सिक्स डॉलर या वन पॉइंट सिक्स यूरो ठीक है आप एग्जैक्टली सेम के की डील एग्जैक्टली सेम के की डील आप न्यूयॉर्क सिटी में खाएंगे तो उसकी प्राइस हो जाएगी ट्वेल्व डॉलर वही मुर्गी वही आलू वही सोडा लेकिन प्राइस कितने हो गई टेन एक्स बढ़ गई कुछ फर्क नहीं होगा वही एग्जैक्ट मील आप नॉर्वे में खाएंगे तो उसकी प्राइस हो जाएगी पंद्रह डॉलर इसीलिए भंगी को पंद्रह लाख दे सकते हैं ना कि पंद्रह डॉलर का बेचते हैं वही आइटम जो एक डॉलर साठ सेंट का यहाँ पे इसलिए ही महंगा इसलिए वो दे सकते हैं पैसे क्योंकि पैसे ज़्यादा लेते भी हैं और देते भी ज़्यादा हैं ठीक हो गए इतनी बात समझ में आ गई तो इसलिए हमने अब वहाँ पे अब अब नॉर्मली क्या होता है पाकिस्तान से कोई डॉक्टर हो इंजीनियर हो कोई भी हो जब अमेरिका जाता है कनाडा जाता है वहाँ पे उसके पास परमिशन नहीं होती इन चीज़ों की तो वो क्या करता है ऊबर चलाता है गाड़ी चलाता है ड्राइवर बन जाता है राइट छोटे छोटे काम करता है तो भी पैसे कमा लेता है तो अब हमने कब गाड़ी तो चला नहीं सकते रिमोट कंट्रोल से अभी तक तो ऐसी गाड़ी नहीं आएगी आप गाड़ी रिका में बैठे हैं और चलाएँ आसे रहे हैं तो अब हमें ऐसी जॉबें ढूंढनी है जो कि अगेन फिर कंप्यूटर पर बैठ के कोई कर सकता हो तो उसके लिए कोई ऐसा काम कंप्यूटर चलाना आना चाहिए कंप्यूटर से दोस्ती अशद ज़रूरत है आप मोबाइल से दोस्ती व्हाट्सएप से दोस्ती एस एस से दोस्ती अशद ज़रूरत है क्योंकि अगर आपकी ये बेसिक चीज़ें ख़राब हैं अगर आप व्हाट्सएप पे चार घंटे में जवाब देते हैं या आपका व्हाट्सएप ऑफलाइन रहता है हर वक्त क्योंकि मैं डेटा बचा रहा हूँ तो वो कस्ट वो आपसे भाग जाएगा क्योंकि तो ये इससे तो बात ही करना असाब है मैं इससे काम क्या कराऊँ मैं तो बात ही नहीं कर सकता उससे जिस आदमी से मैं बात नहीं कर सकता मैं उससे काम कैसे कराऊँ मैं जैपनीज़ आदमी से काम कैसे कराऊँ क्योंकि मैं तो उससे जैपनी ज़बान नहीं आती और दूसरी तरह से मैं एक आदमी को फ़ोन पर फ़ोन कर रहा हूँ फ़ोन पर फ़ोन कर रहा हूँ वो फ़ोन ही नहीं उठाता मैसेज का जवाब ही नहीं देता तो उससे कौन काम कराएगा कोई नहीं कराएगा ये है कम्यूनिकेशन ये इसका ताल्लुक स्किल से नहीं है इसका ताल्लुक़ एक्चुअली आपकी कम्युनिकेशन से है कि आप मिसाल के तौर पे मैं हूँ मैं लोगों से टेक्स्ट पे बात करता हूँ और व्हाट्सएप पे बात करता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज़ होते हैं कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते मैं कहता हूँ मैं फ़ोन इसलिए नहीं उठाता कि मेरे पास टाइम नहीं होता फ़ोन उठाता तो आपने फ़ोन क्यों रखा हुआ है जाके आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकें तो आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते यानी उनको कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती समझ नहीं आता कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप फोन ना उठाएं क्योंकि उनकी उनकी मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन है वॉइस ओनली वो टेक्स्ट पे बिलीव ही नहीं करते और अगर टेक्स्ट की जगह वॉइस नोट भेजते रहते हैं बड़े बड़े वॉइस नोट बड़े बड़े वॉइस नोट तो हमें जब काम ढूंढना होता है तो हमें जो हमारे साथ काम का साथी है हमें पहले ये समझना होता है कि जो आगे वाला है उसका मिजाज क्या है जिसके लिए हम नौकरी कर रहे हैं नौकर बन रहे हैं उसके उसका मिजाज समझ में आना ज़रूरी है अगर हम हम तो हैं टेक्स्ट वाले ये हैं वॉइस वाले ये हैं ऑडियो ओड, नोट वाले वो कहते हैं वीडियो कॉल करो हम बट हैं बटोला किसको साइन किया मैंने आपको भी साइन किया बटोला वीडियो कॉल के बगैर बात ही नहीं करता वो वॉइस कॉल ही नहीं करता कॉल करता है वीडियो पे और यूं बैठा है तो नाक नज़र आ रही तेरे को लेकिन जब भी कॉल करता है वो वीडियो पे कॉल करता है अब मैं थक गया उसको समझा समझा के कि भाई तुम क्यों करते हो वीडियो की कॉल तुम्हारी नाक के बाल नजर आ रहे होते हैं परेशान लेकिन सुनता नहीं उसकी खोपड़ी में कहीं अच्छा वहाँ इंटरनेट तेज है uh -huh. उसको बैंडविथ बचाने का कोई शौक नहीं है उसको फोन उसका तेज है अमेरिका में सेवेंटी परसेंट लोग के पास कौन सा फोन होता है आईफोन आईफोन पाकिस्तान में सेवन परसेंट का कौन सा फोन होता है एंड्रॉइड अब ये किसको मालूम कैसे पता चलेगा ये जब पता चलेगा कि जब आपके कोई दोस्त वोस्त रहते हैं आप पे फ़ोन कौन सा तुम्हारे पास तो आप दोस्त तो बना नहीं रहे सवाल कर नहीं रहे ऐसे चलते बूढ़े चलते पूछेंगे हाँ भाई आईफोन रखा हुआ है कभी क्या फ़ोन निकालेगा क्या ऐसे तो पूछ नहीं सकते ना कि कौन सा फ़ोन रखा हुआ है सो यू हैव टू बिकम फ्रेंड्स नंबर वन रिक्वायरमेंट इस रिमोट जॉब में है फ्रेंडशिप मेरे ख्याल में एंड देन फ्रेंड से दोस्त को जॉब नहीं देगा आपको फ्रेंड्स का दोस्त आपका बॉस बन जाएगा क्योंकि अब्बा ने किसको फ़ोन किया था खान साहब को कहा कि किसी के पास लगवा दो खान साहब ने से नहीं कहा तुम लगा लो क्योंकि खान साहब से दोस्ती ख़राब हो जाएगी अगर बेटे ने गड़बड़ करी खान साहब के पास भी नौकरी नहीं लगवाई कहीं और लगवाई कि ऐसा ना हो कि खान साहब से दोस्ती ख़राब हो जाए बेटे ने गड़बड़ करी तो तो कहीं और लगवाएंगे तो आपने लेकिन आपके कोई दोस्त होने चाहिए टॉम जॉन और हैरी जाके आप उनको कह सकें भाई मेरे छोटा भाई के पास आजकल फारे कहीं लगा दो इंटर्नशिप कुछ करने को नहीं है उसके पास लेकिन हम कहाँ ढूंढते हैं यार मोहल्ले की दुकान में लगा दो यार फलाना लगा दो या इधर लगा दो तो जब इधर ढूंढ लेंगे तो यहाँ तो पंद्रह लाख का भंगी नहीं है तो यहाँ तो, तो सस्ते भंगी मिल जाते हैं तो फिर आपकी आमदनी ऑटोमेटिकली ठक करके नीचे गिर कर गई क्यों नहीं कर रहे रिमोट जॉब के जवाब है अवेयरनेस नहीं अवेयरनेस नहीं है, नहीं नहीं है। नहीं। और कैसे नहीं नहीं क्या क्या तो को ऐसी कोई चीज है जो उसको नहीं है टेक्निकली नहीं चाहता मैं कह रहा हूँ थगा क्या थक गया फ्रेंडशिप करना सीख लो फ्रेंडशिप करना सीख लो कहता नहीं फ्रेंडशिप नहीं करना सीखो टेक्निक सिखा कहा स्किल सिखा दो यही तो स्किल सीखने की है कि गुफ्तु कैसे करनी है किसी से दोस्ती कैसे करनी है ये स्किल है वो स्किल नहीं सीख रहे कौन सी स्किल सीख रहे हैं आप मुझे फोटोशॉप सिखा दें आप मुझे प्रोग्रामिंग सिखा दें आप मुझे फलाना सिखा दें पाकिस्तान में करोड़ों लोग प्रोग्रामिंग सीख के बैठे हुए हैं क्यों नहीं करोड़ों रुपये कमा रहे हैं बी सी सी आई फास्ट लम्स आई बी ए सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिखाता है बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ सिखाती हैं क्यों कंगले खस्ती हस्ती नौकरियाँ कर रहे हैं पैंतीस हजार में इंटर्न मिलता है यहां पे मिलना चाहिए मिलना ही नहीं चाहिए क्यों इसलिए कि हर आदमी जो है वो टॉम भाई के पास लगा हुआ है जॉन भाई के पास लगा हुआ है हैरी भाई के पास लगा हुआ है फरकान भाई परेशान है यार यहां तो बंदे ही महंगे गए यार मैं क्या काम करूँ तो फरकान भाई फिर पान की दुकान लगा लेंगे आपने कहा ना बिजनेस खत्म है बिजनेस खत्म नहीं होगा बिजनेस उनका खत्म होगा जो चेंज नहीं होगा बिजनेस हर चीज़ उसकी ख़त्म होती है जो चेंज नहीं होता है दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है कोडैक आप जब छोटी थी या पैदा नहीं हुई थी तो कोडे की रीलें होती थी और कोडैक सिर्फ फोटो खींचता था दुनिया में अगर फोटो होता था उसको तो कहते थे कोडैक मोमेंट वो कोडैक ने डिजिटल फो, फोटो याद किया कैमरा याजाद किया तो उनके बॉस के पास लेके गया वो ईजाद कर गया कि जी सर मैंने ये कैमरा याद कर दिया है तो बेकार चीज़ें ये कौन लेगा छोड़ो हो गया किसी और जगह के पास उसको बेचा वो डैक ख़त्म हो गई डिजिटल कैमरा बड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नई चीज़ बेकार है तो कागज़ पे होता है फ़ोटो एक फोटो से स्क्रीन पे देख रहे ठीक है सो क्यों नहीं रोमोट जॉब कर रहे बेसिक प्रॉब्लम इज अवेयरनेस बेसिक प्रॉब्लम इज के वो किसी टॉम को किसी हैरी को किसी जॉन को जानते ही नहीं है और जैसे वो कैप्टन साहब बताते हैं कि जब मैं आया था तो मैंने कभी किसी गोरे का कभी इंटरव्यू ही नहीं अभी गुफ्तगु ही नहीं करी थी तो क्यों नहीं करी थी बस नहीं करी थी कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी हम ये भूल गए थे कि हम कहाँ रहते हैं प्लानट अर्थ पर रहते हैं इंटरनेट पर रहते हैं हम समझ रहे थे कि हम रहते हैं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में रहना चाहेंगे तो हज़ार डॉलर साल है और सिंगापुर मूव हो जाएंगे दिमागी तौर तो पे तो पचपन हज़ार डॉलर साल है पचपन हज़ार डॉलर कितने होते हैं डेढ़ रुपए साल पर, पर बंदा आप कमा का कमा सकता है जो कि एम बी ए किया हुआ है डेढ़ करोड़ रुपए साल नहीं कमा रहा तो क्यों नहीं कमा रहा पता ही नहीं है उसका कोई टॉम दोस्त नहीं है उसका कोई डिक दोस्त नहीं है उसका कोई हैरी दोस्त नहीं है उसका कोई जॉन दोस्त नहीं बस और कोई वजह नहीं है अब अगर इनके मुल्क में कोई है इनके मुल्क में सिर्फ बारह हजार डॉलर है उन्हीं के बराबर में एक और मुल्क है वहां पचपन हजार डॉलर है लोग नहीं जाते खुश तो हमारे यहां भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई अल्लाह का शुक्र है छोड़ो किन पत्थर चक्करों में लगा रहे हूं मुझे तो शुरू में जो हम जिनको बता रहे हैं देखो हम इतना सब कुछ फ्री में सिखा रहे हैं ये मैं ये चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ अभी पिछले चार साल से तो मैं इस पर वीडियोज बना रहा हूँ रिमोट जॉब चार साल से और जो रिमोट जॉब यानी कि कॉल सेंटर ये वो उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ 20 साल से और मार्केटिंग पे या इंटरनेट मार्केटिंग पे डिजिटल मार्केटिंग पे उस पर बना रहा हूँ 24 साल से समझा रहा हूँ नहीं समझ रहे तो हमारा काम आवाज़ देना है अजान देना है हमें समझाना है हम कोशिश करेंगे थोड़े लोग आएंगे फिर और वो सीख जाएंगे फिर और आएंगे फिर, और आएंगे, फिर वो सिखाएंगे फिर उनमें से कोई बड़ा हो जाएगा उनकी उनके पास डेढ़ करोड़ आते हुए नजर आएंगे तो कहेंगे यार तुम भी कर लो छोटे भाई को लगाएंगे बड़े भाई को लगाएंगे कज़न को बताएंगे फिर एक दिन फट जाएगा सबको पता चल जाएगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे जी आपका सवाल नंबर वन ये था कि सब लोग रिमोट जॉब करने लगेंगे तो बिजनेस कौन करेगा तो उसका जवाब ये है कि सब लोग रिमोट जॉब कभी भी नहीं करेंगे एक है चिकन टिक्का एक है नारी एक है बिरयानी एक है पाए चार घर में भाई बहन हैं सबकी चॉइस अलग है है ना तो ऐसा हो नहीं सकता कि सब एक ही डिश पे और अम्मा को चलना है नहीं कि ये क्या पका दिया तो ये लड़ाई रहती है तो इसलिए हर इंसान का मिजाज अलग है तो सारे रिमोट जॉब कभी करेंगे ही नहीं ठीक है और अगर सब लोग आ भी गए तो जैसे जैसे सब मोबाइल पे आ गए तो लोगों का काम की नोयीत चेंज हो गई रिक्शे वाला जो है वो अब ऊबर पे आ रहा है या बाइकिया के ऐप पे आ रहा है या करीम की ऐप पे आ रहा है या टैक्सी वाला है करीम के ऐप पे आ रहा है गाड़ी तो वही चला रहा है लेकिन थोड़ा सा डिजिटल हो गया हो अपग्रेड हो गया पहले बाइकियाँ टाइप की कोई सर्विस नहीं थी अब ये बाइकियाँ की टाइप की नई सर्विस पैदा हो गई लोगों को आसानी भी हो गई मुश्किल भी हो गई लेकिन नौकरी तो पैदा हो गई ना तो अब अब नौकरियाँ नई पैदा होंगी रिमोट जॉब की वजह से क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई डिसरप्टिव कि ये पॉसिबिलिटी पैदा हो गई कि हम अब अपनी इन दोस्तियों पहले तो दो दोस्ती कर ही नहीं सकते थे लिंकट ही नहीं था फेसबुक ही नहीं था व्हाट्सएप ही नहीं था वीडियो कॉल नहीं थी ये सब मुमकिन नहीं था अब मुमकिन है कि थरपारकर में बैठ के कोई लाख रुपए महीना कोई पाँच लाख रुपए महीना की नौकरी कर सकता है पैसे नहीं है छत छत पे वो लगा दो सैटेलाइट इंटरनेट बल्ले बल्ले इंटरनेट नहीं आ रहा जोंगनी साई हमारे गाल में तो जोंग नहीं आता है कि कोई बात नहीं स्टार लगाओ ठीक है तो ये कब होगा जब हमें थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी जी आपका कोई सवाल जी आ, जैसे कि अब आपका था आ, थोड़े दिन पहले मतलब था कि फ्री लॉन्सिंग से सब फाइव हंड्रेड डॉलर पर मंथ अर्न करें तो ये कैसे है? मतलब आपने जैसे आपने बता दिया कि रिमोट जॉब सब रिमोट जॉब के लिए ढूंढते हैं ढूंढते है, तो फ्री लॉन्सिंग भी करनी चाहिए और रिमोट जॉब इसमें क्या फर्क फर्क तो पता है बट सबसे ज़्यादा क्या करनी चाहिए फ्री या रिमोट जॉब फ्री और रिमोट जॉब में क्या फ़र्क है फ्री ऐसा ही है जैसे फर्ज कर लो आपने घर में रंग करवाना है तो आपका घर बहुत बड़ा है तो आपने कहा ये एक साल का काम है रंग करने का तो एक बंदे को नौकरी पर रख लो जो रंग करता है वो हो गए नौकरी और दूसरा बंदा ठेकेदार है रंग का कहता हैं मैं नौकरी नहीं करूँगा मैं सिर्फ ठेके पे काम करता हूँ तो आप मुझे पैसे बता दें तय कर लें और मैं आपका रंग कर दूँगा सारा तीन महीने में करूँगा साल में करूँगा मेरी प्रॉब्लम तो एक है कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस और दूसरा है नौकरी वाला के नहीं मुझे लगी बनती तनख्वाह देते हैं ये लोगों के मिजाज के ऊपर है कोई कहेगा मुझे नौकरी ही चाहिए कोई कहेगा मुझे ठेका ही चाहिए जैसे आपके अब्बू फैमिली में बिज़नेस करते हैं तो उसका मतलब आपके फैमिली में और भी लोग बिज़नेस करते होंगे शायद तो बिज़नेस माइंड बन जाता है दिमाग में कि जी बिज़नेस ही करना है छोटा हो बड़ा अपना होना चाहिए और दूसरे को बोलेंगे नौकरी वाले ख़ानदान को बोलेंगे कहते हैं हवाई रोज़ी आ जाए कल नहीं है तो ये सोच के ऊपर है कि कौन किसकी क्या सोच है दोनों लोग सही हैं किसी को रिमोट जॉब चाहिए किसी को हवाई रोजी चाहिए क्योंकि हवाई रोजी के साथ साथ वो भी तो आता है बहुत सारा इकट्ठा भी आ सकता है बिजनेस है ना बिजनेस में ज़्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है नौकरी में फिक्स ही आता है तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी के अंदर ऑप्टन कर दें सवाल आप क्या समझते हैं कि बेसिकली वो कौन से प्लेटफॉर्म में जहाँ से हम कोई भी स्टार्ट ले सकते हैं रिमोट वर्क के लिए करना चाहता है तो वो कहाँ से स्टार्ट ले सबसे नंबर वन प्लेटफॉर्म तो लिंक्टन है और लिंक्टन से ही आपको 60 70 परसेंट चांसेज़ हैं कि रिमोट जॉब मिल सकती है उसके अलावा जो दूसरी वेबसाइट्स हैं अभी हाल ही में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म किसी ने ए आई को यूज़ करके बनाया है जिसमें सारी जॉब्स दुनिया की इकट्ठी हो जाती हैं मुझे इस वक्त नाम याद नहीं है मैं आपको लिखवा दूँगा वो वेबसाइट पे और साफ सूफ करके वो फिल्टर करके लेकर आ जाते हैं कि जी अप्लाई कर लें तो ये भी एक तरीका है मैं ऐसी तौर पे समझता हूँ कि हमें इंटर्नशिप ही ढूंढनी चाहिए नौकरी ढूंढनी ही नहीं चाहिए वजह उसकी यही है कि आपने कब भी मुल्क से बाहर गए नहीं हैं तो आप उस मिसाल के तौर पे आप यहाँ से उठ के टंडू आदम चले जाएं या मैं आप किसी और पंजाब के किसी छोटे गांव में चले जाएं छोटे शहर में चले जाएँ तो आपको कराची से उठ के जब आप वहाँ जाएँगे तो आपको वहाँ के नॉर्म्स का नहीं पता तो आपको कोई रख भी लेगा तो आप एडजस्ट होने में दो तीन महीने आपको लग जाएंगे खाना पीना पानी हर चीज तो मैं जतीी तौर पे ही समझता हूँ कि हमें इंटर्नशिप ढूंढनी चाहिए बच्चों को ज़्यादा लोगों को चाहे उनके पास एक्सपीरियंस क्यों ना हो तो वो इंटर्नशिप इज़ बेटर फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पज़ कि आप छोटा काम ले लें काम ले लें कोई भी मुझे रख लें तो uh, गोरा ढूंढने और उसको कहें यार अपने किसी दोस्त को कहो मेरे पास ये काम आता है मैं इंटर्नशिप करने को तैयार हूँ कोई फीस वीस नहीं चाहिए तो मैं जाती, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक नेचुरल पाथ होगा फिर जब आपकी जॉब आपको पैथवे मिल जाए या कोई दोस्त मिल जाएगा यार फिलिप्स है वहाँ ये जॉबें आएंगी दस तो वो फिर प्रोफेशनल बंदा हायर करते हैं ना वो जहाँ फिट हो जाए जब हम एक नई दुनिया में एंटर हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में इंटर्नशिप से शुरू करना चाहिए okay. आ, मेरा एक और क्वेश्चन है मतलब पर्टिकुलर कोई आप क्या समझते हैं इसके लिए एक बंदे को यानी कि क्या पर्टिकुलर स्किल्स स्टार्टिंग में आनी ही चाहिए कि वो रिमोट जॉब इजीली कर सकता है हंड्रेड डॉलर इंटर्न डॉट कॉम पर पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर भी पढ़ा हुआ है इंटर्नशिप का कोर्स के मोबाइल चलाना गूगल डॉग चलाना व्हाट्सएप चलाना आ, ये बेसिक स्किल्स हैं जो कि आपको लोगों को लो, लो आती हैं और लेकिन उस, उस उसको अच्छी तरह से चलाना एंड देन अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं जैसे आप आजकल रिक्रूट कर रहे हैं इस कोर्स के लिए लोग तो ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं वो अब वो जॉब तो करना तो आती है उनको पचास हज़ार तो कमा ही रहे हैं बस उनकी उनको ढूंढना नहीं आ रही कि वही जॉब उनको कहीं और लग जाए इंटरनेशनली लग जाए तो उनको हम थोड़ा पॉलिश कर रहे हैं कि आप यही जॉब जो है सिंगापुर में कर लें यही जॉब अमेरिका में कर लें यही जॉब लंदन में कर लें तो यही जॉब दुबई में कर लें रिमोट होगी लेकिन लोकेशन चेंज हो जाएगी लो, लोकेशन रिमोट होगी तो क्योंकि हमें एग्जैक्टली exactly रास्ता नहीं मालूम अभी तो इसलिए मैं मेरी सजेशन है कि इंटर्नशिप कर लें शुरू तो कर लें और मैं श्योर हूँ कि दो तीन साल में इसके बहुत सारे सिस्टम्स बन जाएंगे कंपनीज बन जाएंगी कहेंगे ये ले लो जॉब्स आई हुई हैं सौ जॉब्स हैं पाँच सौ जॉब्स हैं और ये सेट हो जाएगा बिज़नेस बन जाएगा ये बहुत बड़ा अभी क्योंकि लोग ही नहीं ढूँढ रहे कोई ट्राई नहीं कर रहे तो इसलिए मैं इंटर्नशिप के ऊपर पुश कर रहा हूँ कि आप इंटर्नशिप पर चल जाएँ लेकिन दो तीन साल चार साल में मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंज हो जाएगा तो क्या रिमोट जॉब के लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है लाइक जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं तो एजुकेशन होती है और क्वालिफिकेशन और होती है तो इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती है बिल्कुल अगर आपने अगर आप अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेंट की जॉब रिमोट ढूंढ रहे हैं तो अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर रहना आना चाहिए अकाउंटिंग की होनी चाहिए आप अकाउंटेंट है ना तो अब आप अकाउंटेंट की ही सिर्फ जॉब ढूंढ रहे हैं रिमोट तो आपको अकाउंटेंट होना चाहिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही की रिमोट जॉब ढूंढ ढूंढें तो आपको ग्राफिक डिज़ाइन होना चाहिए आप वीडियो एडिटिंग ही कि रिमोट जॉब ढूँढे तो आप वीडियो एडिटर होना चाहिए तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर हम इंटर्नशिप ही कर लें तो पाँच डॉलर महीने तो इंटर्नशिप में मिल जाएगा डेढ़ लाख रुपये तो जो हालात मुल्क के हैं उसमें हमें क्या ढूंढना चाहिए जो चीज़ ज़्यादा हो ढूंढनी चाहिए तो ज़्यादा इंटर्नशिप मिलेगी आराम से मिलेगी तो जब हैं ही सुस्त और किया भी नहीं है तो इंटर्नशिप से शुरू करो एवेंचुअली होटल के मालिक बन जाना लेकिन होटल के वेटर तो लग जाओ जाके क्योंकि होटल के वेटर में एंट्री एंट्री कम होगा आसान है ए, ही होटल के वेटर पाँच सौ होते हैं होटल का सी ओ एक होता तो, है तो कंपटीशन हाई है तो आप अगर वेटर की नौकरी तलाश करने जाएंगे सस्ती नौकरी तलाश करने जाएंगे तो जल्दी मिल जाएगी और उसमें भी पाँच डॉलर मिल रहे हैं तो क्यों सी की नौकरी तलाश करो इस वक्त फौरन लग जाओ जाके यकीन आ जाएगा होता है होटल सही है कंपनी सही है अब आहिस्ता 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 आहिस्ते जर्नी करो तीन साल में चार साल में सीओ बन जाओ मेरा ये सजेशन है ऐसे मुल्क जब आप किसी नए मुल्क जाते हैं या किसी दुनिया एक नया बिजनेस में एंटर हो रहे हैं कोई नई जबान में एंटर हो रहे हैं तो बेसिक शुरू करें ए बी सी पे शुरू करेंगे ना शायरी पे तो नहीं जाएंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो पा रही इस कोर्स की बेसिकली हमें सीखना क्या है जैसे अभी जो चैलेंज आ रहा है बेसिकली

हाँ वीडियो बनाना नहीं चाहते बाकी सब फोटो फोटो भी लगा लेंगे लिंकटिन भी ठीक कर लेंगे फेसबुक भी ठीक कर लेंगे बस वीडियो नहीं बनाएंगे यही प्रॉब्लम है ना तो वीडियो निकाल दें वीडियो बनाना नौकरी ढूंढने के लिए ज़रूरी नहीं है वीडियो बनाना इंसान बनने के लिए ज़रूरी है आपको पाँच सौ डॉलर की नौकरी देखो वेटर की नौकरी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है बंदी के हाथ पैर सलामत है थोड़ी बहुत बात कर लेता है मुस्कुराहट है बदबू तो नहीं आ रही बस थक लग गया बेटा राइट ये जॉब आराम से इसके लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर इंटर्न ढूंढा रहे हो सॉरी इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो तो तुम आ, अपना शाहरुखी से कहो भाई इनको सिर्फ इंटर्नशिप करवाएं तो इंटर्नशिप का कोर्स फिर बनाओ फिर हाई लेवल जॉब पाँच हज़ार डॉलर वाली जॉब दस हज़ार डॉलर वाली जॉब नहीं ढूंढवाओ ये तो पाँच सौ डॉलर वाली जॉब है ना तो अगर तुम्हारे पास लोग पाँच सौ डॉलर वाले आ रहे हैं तो आप पाँच सौ डॉलर वाली ट्रेनिंग कर लें क्या आप जितना अच्छा ग्रूम करेंगे अपने आप को उतने अच्छे हो जाएंगे लेकिन होता ये ना कि सी एक है पाँच हजार दस हजार वाली डॉलर जॉब भी कम है तो उसके लिए टाइट प्रोसीजर होगा वेटर बहुत हैं इंटर्नस की जॉब बहुत हैं कोई भी सौ दो सौ पाँच सौ डॉलर में आराम से रख लेगा तो आपको लगता है सौ दो सौ डॉलर पाँच सौ भी क्यों देगा इसलिए कि एक दिन का जिंदा रहने का ख़र्चा जो है ना यूरोप में अमेरिका में सौ डेढ़ सौ डॉलर होता है तो वो उसके लिए सौ डेढ़ सौ डॉलर कोई बड़ी नंबर नहीं है जैसे यहाँ पे हज़ार रुपये महीने दो रोज़ का देना कोई बड़ा नंबर नहीं है चलो ले लो हज़ार रुपये कुछ चीखे नहीं मारेगा वो तो अगर आप जिस तरह आप हज़ार रुपये दे सकते हैं इस तरह वो आराम से सौ डॉलर दे सकता है आपके सौ और उसके तैंतीस हज़ार बराबर है आपके हज़ार और उसके तैंतीस हज़ार बराबर है

इंटर्न तो हायर कर लें अच्छा एक और प्रॉब्लम है जो आप लोग को शायद नहीं ख्याल हो जैसे आपने कभी रिमोट जॉब नहीं करी है उसने कभी रिमोट हायरिंग नहीं करी है जो रिमोट जॉब प्रोवाइड चैलेंज तो आएगा ठीक है कार्ला जो है उसने कभी पाकिस्तान में बंदा हायर नहीं किया बल्कि कभी असिस्टेंट ही हायर नहीं किया जिंदगी में क्योंकि अमेरिका में असिस्टेंट मरे हुए पचास साल हो गए असिस्टेंट नहीं होते कोई चाय बनाने वाला नहीं होता कोई जूते पॉलिश करने वाला नहीं होता अपनी चाय बनानी है अपनी कॉफ़ी बनानी है सपना काम अपने कपड़े धोने अपना काम खुद करना है ठीक है तो अब एक और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि उसको भी एजुकेट करना होता है कि यहाँ बंदे ढूंढना बंदे यहाँ से ले लो उसके दिमाग में भी नहीं आता कि मैं वी रख लूँ तो मैं जब उनको बंदे ऑफर करता हूँ वो कहते हैं मैं करवाऊँगा क्या इससे क्योंकि वो जो छोटे जूनियर काम थे इंटर्नशिप वाले थे वो उनके दिमाग में भी निकल चुके हैं क्योंकि वो सब काम खुद कर रहे होते हैं तो हमें उनको भी एजुकेट करना पड़ रहा है कि आप ये बच्चा रख लें इसको इससे काम करा लें जैसे किसी ने नई दुकान खोली दुकान चल रही है आप गए उसकी दुकान पे यार मेरा बच्चा रख लें भाई मैं क्या काम कराऊंगा यार आप इससे कुछ भी करा लीजिएगा सफ़ाई सफ़ाई काम करा लीजिएगा उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि आप मेरा बच्चा रख लें आप पे भरोसा कर रहा हूँ मैं कि आप मेरा बच्चा रख लें कोई भी काम करा लें शागर्दी में ले लें तो ये ड्यूअल साइड प्रॉब्लम है ये वन साइड प्रॉब्लम नहीं है तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्कूल के ती, तीन बच्चों को दो तीन लोगों के पास रखवाया उनसे काम ही नहीं मिल कर निकल के आ रहा फ्री में रखे हुए हैं वो काम ही नहीं करा पा रहे कारला को मैं चार दफ़ा असिस्टेंट दे चुका हूँ वो काम ही नहीं करा पाती याना को मैं तीन दफ़ा असिस्टेंट दे चुका हूँ वो काम ही नहीं करा पाती क्योंकि आदत नहीं है असिस्टेंट क्या होता है भाई हमें तो सेट लोग हैं हमारे घर में मासी चावाना कर चाकर हर एक के घर गर में गरीब के आदमी के घर में ही मासी आती है तो उसको पता है कि मासी से क्या काम कराना है हमारे अमेरिका में मासी नहीं हो कॉन्सेप्ट कौ, नहीं होता तो ये ड्यूअल ये भी एक और चैलेंज है ये सेकेंड चैलेंज है कि आपको भी उनको भी बवर कराना है कि हमारे पास बंदे हैं ले लो तीसरा प्रॉब्लम वो सस्ते बंदे रखना नहीं चाहते वो कहते हैं हमारे हम हम आप पे ज़्यादती कर रहे हैं हम कम, पैसे हम कम पैसे ले रहे हैं तो वो पैसे देना नहीं चाहते कहते हैं कि ये कम पैसे हैं हम नहीं लेंगे मैं कहते तो ज़्यादा दे तो कहते हैं हम दे नहीं सकते समझ में कि एक आदमी आया तुम्हारे पास मुझे नौकरी दे दे आप अम्मी ने कहा कि भाई मेरे पास तो मुझे तो ड्राइवर ही नहीं चाहिए मिसाल के तौर पे एक आया कि मोटरसाइकिल ड्राइवर रख लें भाई बाजार का रेट है पैंतीस हजार रुपये आप मुझे तीन हज़ार दे दें पहले तो अम्मी कहेंगी भाई तीन हज़ार है तो तुम कल मेरे साथ कुछ चोरी करोगे तुम जिंदा कैसे रहोगे तीन हज़ार में खाना कैसे खाओगे अब वो जो नॉर्वे में रहता है जो अमेरिका में रहता है उसको तो उसको ये बात नहीं मालूम कि पाकिस्तान में के एफ सी वन पॉइंट सिक्स डॉलर का मिलता है वो समझता है सोलह डॉलर का ही मिलता है तो कोई पाकिस्तान नहीं आया उसको नहीं मालूम कि टमाटर और जो है यहाँ पे बीस रुपए किलो या सौ रुपए किलो मिलता है उसका टमाटर छः डॉलर किलो आ रहा है वो बिलीव नहीं करते कि वो बिलीव ही नहीं, नहीं, नहीं करते कि किसी की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ये हैं तो क्योंकि है। उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ जिस तरह आपने उनको एक्सपीरियंस नहीं किया उन्होंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो दोनों एक एलियन प्लैनेट्स हैं दो अलग अलग प्लैनेट हैं अक्सर लोग मुझे मैं अमेरिका जाता हूँ पूछते हैं पाकिस्तान कैसे है मैंने कहा मैं आपको बता ही नहीं सकता आप इमेजिन ही नहीं कर सकते क्या है बताऊँ मैं आप बेवकूफ़ी होगी बताना चले एक्सपीरियंस करें जिस तरह अमेरिका बिल्कुल फ़र्क है इसी तरह पाकिस्तान बिल्कुल फ़र्क है अलग ही मखलूक रहती है ऐसा ही हमें जैसे मैं अक्सर आप लोग को कहता हूँ स्टार वॉर स्टार ट्रैक देखा करें तो स्टार ट्रैक वाले प्लानट दूसरे प्लानट पर लैंडिंग करते हैं तो बिल्कुल अलग किस्म के डिज़ाइन के लोग होते हैं वहाँ पे किसी के कान बड़े किसी के नाक छोटी किसी के तो कल्चर भी फ़र्क होता है वो कल्चर फ़र्क है हमारा जिसकी वजह से हमें चैलेंजेस आ रहे हैं कल्चरल क्लैश है ये तो रिमोट जॉब का एक बहुत बड़ा जो जो एस्पेक्ट है जो हमारे ऑब्स्टिकल है वो है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कि आप उनके कल्चर को नहीं जानते वो आपके कल्चर को नहीं है। वो कह रही हिजाब की बनी हो आप कहेंगे ये तो मेरा कल्चर है कहेंगे ये तो हमारे अब्बा ने जुल्म किया तुम्हारे ऊपर कहेंगे नहीं मेरे अब्बा ने तो नहीं कहा मैं ख़ुद करती हूँ नहीं झूठ बोल रही हो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना एक्सपीरियंस नहीं किया वो मेरी एक दोस्त थी दुबई में आई हुई थी वो अमेरिकन हैं और बहुत सीनियर बच्चों के साथ काम करती हैं चालीस पचास हज़ार बच्चे उनके अंदर उनके मेंटर मेंटी हैं बहुत सीनियर हैं उसका इंटरव्यू कर लेना जेनिफ़र नाम है तो आ, उसने कहा रेहान यहाँ पे बहुत सारी मास्क वाली ख़ात फिर रही हैं हिजाब वाली मैंने कभी किसी औरत से बात नहीं करी जिसने हिजाब पहना हो मैंने कहा अच्छा क्यों कितनी डर लगता है कहकर मैं इंसल्ट ना कर दूँ मैंने मैं कोई ऐसी बात ना करूँ जिससे वो ह्यूमिलिएशन फील करें तो मैंने कहा मेरी अम्मी भी यही है मैं उनसे मिला दूँ कहती हाँ उनसे मिलूँगी मुझे बड़ा शौक है तुम्हारी अम्मी से मिल लेती है मैं वो भी मैंने कहा वो भी जाप करती कहते हाँ ज़रूर मिलेंगी तो मैंने कहा कल हमारे साथ खाना खा लो मैंने कहा कल मैं कहीं जा रही हूँ खाने पर तो मैंने कहा अच्छा मैं अपनी अम्मी को ले वहीं आ जाऊँगा तो मैं अपनी अम्मी को लेकर वहाँ चला गया वहाँ गए तो अम्मी ने हिजाब उतारा और उसके साथ बैठ गई और बातें बातें करी दस मिनट मुश्किल से बहुत खुश हो के आई तो उसके उससे अम्मी से उसने सवाल किया कि आप हिजाब क्यों करती हैं आपके मियाँ फोर्स करते हैं तो अम्मी ने जवाब दिया नहीं मेरे मियाँ को तो पसंद ही नहीं हिजाब वो तो मना करते हैं हिजाब क्यों कहते हैं उसको पहला शौक लगा फिर ये, ये कैसा हुआ फिर वो कहती है अच्छा आपकी एजुकेशन तो ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि आप मुसलमान हैं हिजाबी हैं कहती नहीं मैंने तो मास्टर्स किया है हैं फिर दूसरा झटका लगता है फिर वो कहती हैं कि आपका गर्ल्स एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है कि गर्ल्स को तो आप एजुकेट नहीं करते होंगे नहीं कहेंगे मेरे तो बाहर अपने स्कूल है, है। फिर झटका लगता है यानी जितने उसके दिमाग में बुद्ध बने हुए थे वो ठक ठग ठक टूट गए तो ये कैसे हुआ ये कॉन्वर्सेशन से हुआ मुलाकात से हुआ बात करने से हुआ फिर वो कहती है कि अब मैं कहीं कहीं भी बड़ा कोई इवेंट होता है अमेरिका में गवर्नमेंट का तो मैं वहां जाके कहानी सुनाती हूँ कि सोचो नहीं बात कर लो परसन नहीं, नहीं क्रिएट करो बात करो और दूसरा कहती है मैं जब भी किसी एयरपोर्ट पे जाती हूँ कोई हिजाबी औरत होती हो है मैं जाके जरूर मिलती हूँ हेल्प भी करती हूँ उसकी क्योंकि मुझे अब डर नहीं लगता है हिजाबी औरतों से पहले मुझे हिजाबी औरतों से डर लगता था कि पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा पता नहीं कौन है जैसे फ़्रांस में इलीगल है हिजाब करना अगेंस्ट द लॉ है आप शक्ल नहीं छुपा सकते क्योंकि कोई गड़बड़ करने आ रहा है तो कैसे मालूम तो आ, ये परसेप्शन होते हैं लोग जिस तरह आप उनसे डरते हैं इसी तरह वो भी आपसे डरते हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा दीवारें खड़ी हुई हैं तो इन दीवारों को आप तोड़ते हैं तो खुद खुद चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं तो तो रिमोट जॉब में ये दीवारें तोड़ रहे हैं हम जो कि हमने क्रिएट की हैं सेल्फ क्रिएटेड हैं वो किसी ने क्रिएट नहीं करी यानी अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा पचास हजार की नौकरी कर रहा है तो वन थाउजेंड परसेंट में गारंटी कर सकता हूँ कि वो पाँच लाख रुपए की नौकरी ढूंढ सकता है ऑनलाइन नौकरी नॉट इवन फ्रीलांसिंग शर्त क्या है कि वो किसी टॉम किसी जॉन किसी हैरी से दोस्ती करे सबसे पहला काम उसके साथ बैठ के खाना खाए चाय पिए दस मिनट बात कर ले तो उसके अंदर से पाकिस्तान का डर निकल जाएगा और आपके अंदर से अमेरिका का डर निकल जाएगा कि वो कोई भूत हैं कोई जिन है कोई पता नहीं क्या है मखलूक है कोई बहुत स्मार्ट हैं कोई बहुत स्मार्ट भी नहीं होते अच्छा हम कहें यार ये बहुत स्मार्ट होते हैं कोई स्मार्ट भी नहीं होते आप कारला से मिल चुके हैं नॉर्मल इंसान होते हैं ना हमारे जैसे आपके जैसे होते हैं लेकिन हम क्योंकि भूत बना के रखते हैं तो वो भूत बन जाते हैं कोई ये आवाज आवाज का कोई मसला ही मतलब भी नहीं क्यों नहीं करते बस नहीं करते छोड़ो ना यार यही करा दो यही कुछ करवा दो यार तुम प्लीज यार यहीं कोई नौकरी दिलवा दे पचास की जगह यार साठ की यहीं दिलवा नहीं नहीं ये भाई बैठ जाना नहीं ना यार नहीं दिलवा देना इसी पे फंसे रहते हैं क्योंकि हम डरे करते हैं नए चीज़ करने से और कोई मसला नहीं तो आप जो काम कर रही हैं जो आप इंटरव्यू करती हैं उससे आप वो दीवारें तोड़ रही हैं अब आपको पचास इंटरव्यू कर लिए सौ इंटरव्यू कर लिए है अब आप डाइव इन करेंगे एच के लोगों का इंटरव्यू करेंगी सिर्फ अब आप सिर्फ रिमोट जॉब की कंपनीज का इंटरव्यू करेंगी सिर्फ तो आपके पास रास्ता बनना खुद ही शुरू हो जाएगा यानी आपके अगर 50 इंटरव्यू आपने सिर्फ एच मैनेजर के कर लिए जो अमेरिका में है या सिंगापुर में है सिर्फ उनके इंटरव्यू कर लिए आप कौन है यही सब तो उन 50 में से फाइव गारंटीड आपसे पूछेंगे क्यों कर रही हो ये रिमोट जॉब वाली होता क्या है क्या होता है किस तरह होता है क्यों होता है अब आपको जवाब मिल गया अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं बताऊं कि मेरे पास दस बच्चे हैं स्कूल में आप उनको इंटर्न रखवा देंगे मेरा भाई है फारिक फिर रहा है आप इंटर्नशिप दिलवा दें उसको कहीं वो चार घंटे के लिए इंटर्नशिप करने को तैयार है उसको ये काम आता है ये देख लें उसका काम आप फेसबुक खोलें उसका ठक सारा आपको नाम आपके काम तो भरा हुआ है फेसबुक पे लिंक पे पर चार महीने से आप भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं ये आपकी प्रोफाइल बन रही थी वो ठक करके आपको कोई ना कोई लग जाएगा और अब आप देखिएगा अगले तीन महीने में पाँच छः बच्चे लग जाएंगे काम पे और फिर उसके बाद फिर ठक डबल फिर ठक डबल फिर ठक डबल क्यों इसलिए कि शुरू का बस नहीं हो रहा जैसे इंटरव्यू नहीं हो रहे थे जैसे पोस्टें नहीं बन रही थी जैसे वीडियो नहीं बन रही थी बस शुरू में नहीं होता हर चीज क्योंकि कभी किया नहीं, किया है।, नहीं है बस <laughs> तो आपको रिमोट जॉब वाली बनाने का जो मेरा इंटरेस्ट है वो ये है कि आपसे लोग आके सवाल करें पूरे मुल्क में कोई एक इंसान ऐसा नहीं था जो कहता हो कोई सवाल है रिमोट जो आपके हवाले में ये मेरी दुकान है आ जाओ सवाल कर लो पूरे मुल्क में कोई नहीं था फ्री में भी नहीं था और पाँच डॉलर दे के दस डॉलर दे के बीस डॉलर दे के भी नहीं था तो जीशान उस्मानी की आप वीडियो देखते हैं उनकी वेबसाइट है वो उन, हमारे दोस्त की मैंटोसा या पिक माई ब्रेन डॉट वर्ल्ड जो उसका है, क्या नाम है उसका मैक्सिन की जो वेबसाइट है ना तो अब आप वहाँ प्रोफाइल बना सकती हैं मेरा नाम है मनायज रिमोट जॉब वाली आपको रिमोट जॉब के बारे में सवाल करने हैं जो मैंने इस तरह जवाब दिए हैं मैं दस डॉलर चार्ज करती हूँ बातें भी करो गप्पे भी लगाओ दस दौड़ा भी चार्ज करो आगे वैसे अभी तक तो पता ही नहीं था पहले तो मैं वाली नहीं थी फॉरेस्ट की बात करने वाले से ज़्यादा रिमोट जॉब के वाले बात बता है जिनको हर वक्त जॉब की पड़ी रहती है तो जॉब वाले तो बहुत हैं। है मेरे से टाइम चाहिए यहाँ जाके ले लो वन ऑन वन मेरे से बातें करो दस डॉलर दे दो दस डॉलर क्या है दस डॉलर की कॉफ़ी आती है चाय आती है तो चाय नहीं पिला सकता कोई तुम्हें चाय दो सौ पिला देते ना तो दस डॉलर अफोर्ड पाँच डॉलर लगा दो दस डॉलर लगा दो आए तो सही तो तुम्हें यकीन आना शुरू हो जाएगा हाँ लोग पैसे देते हैं बात करने के पैसे देते हैं अमेरिका में आप सौ डॉलर घंटा चार्ज कर सकते हैं सिर्फ बात करने के कि जो आपने ट्रेनिंग ली है पिछले चार महीने में इंटरव्यू करने की आपको बातें करना आ गई तो सबको बातें करना आती हैं लेकिन जो आदमी लोनली है औरत लोनली है उसको कोई दोस्त चाहिए कोई नहीं मिल रहा क्या ये ले लोन से पैसे आओ बैठो मैसे इतने लोनली लोग हैं तो बस वो ढूंढने की देर है कि कम मछली लगती है हमें ना डोर डाल के बैठे हुए तो किसी वक्त भी लग जाएगी अब अब आपकी जो आप जो हैं आप हैं आपकी मछली तो किसी भी दिन लग जाएगी क्योंकि आप बिल्कुल रेडी पकड़ के बैठे हैं थोड़ी और मेहनत करते रहें थोड़ी थोड़ी डंडी हिलाते रहे पछली पक, पकड़ी है मछली कभी रिवर में तो हल्की हल्की ना डंडी को टोक टोक करनी पड़ती है हिलाना पड़ता है सारा दिन बैठना पड़ता है एक मछली लग जाती है कभी कभी दिन में तीन लग जाती लेकिन जैसे बिजनेस है इसी तरह ये भी है कि आपको सुकून से तसल्ली से कोई कस्टमर आ जाए तो बदतमीजी नहीं करनी सलीके से बात करनी है तमीज़ से बात करनी है चाय पिलानी है आ, हमारे मुल्क में तो नहीं पिलाते हम कराची में नहीं पिलाते लेकिन आप अगर पेशावर चले जाओ तो काम करो ना करो चाय ज़रूर मिलती है ईरान चले जाओ कुछ खरीदो नहीं खरीदो चाय ज़रूर पिलाते हैं आओ बैठो चाय पियो तुर्की चले जाओ चाय ज़रूर पिलाते हैं आओ बैठो चाय पियो नो प्रॉब्लम गप्पे लगाओ फारिक बैठे हैं तुम्हें लगा लो तो दोस्ती हो जाती है आराम से तो सवाल जी जैसे आप पाकिस्तान में सब ने आपने बताया कि दीवारें क्रिएट की हुई हैं कि बाहर आ, के फॉरनर से बात नहीं करनी तो अब पाकिस्तानी जैसे मैं आ, कैमरे पे आई बात की तो मेरी जो दीवार थी वो टूट रही है सारी अब पाकिस्तानी कैमरे पे आने के लिए तैयार ही नहीं है तो ना उस पर सवाल करो दीदी तो नहीं रेमो रिमोट जॉब कही तो वो अब मेरी तो कैमरे पाने से टूटी है वो दिमा दीवार है तो उनकी कैसे टूटेंगी आप असल में बन रही हैं उनकी डॉक्टर तो उनको डॉक्टरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी वो आपके पास आएंगे आपसे कहेंगे मेरे पाँव में दर्द है मेरे टांग में दर्द है मेरे कान में दर्द है आप दवाई लिख दें वो आपके पास आएँगे और कहेंगे मेरे पास बी है मैं यहाँ जॉब करता हूँ ये मेरी सी है मुझे कहीं जॉब लगवा दें आपके वहाँ कोई एचार का दोस्त होगा सहेली होगी यार ये सीवी देखना कोई बंदा हो तो उसको लगवा दोगे आप उनका रिश्ते वाली आंटी बन जाएंगी ओके okay, जो पाकिस्तानी आप डरते हैं फॉरेनर से बात करने हैं हाँ नहीं, नहीं। काम करते हुए नहीं डरते नहीं डरते सिर्फ और सिर्फ पब्लिक आते हुए कैमरे पे आते हुए डरते हैं कि जी वीडियो करते हुए डरते हैं वो पाकिस्तानी नहीं वो ये भी डरती है वो सब बाहर वाले भी डरते हैं सब डरते हैं इनका पूरा ख़ानदान डरता है तो कोई भी यहाँ आना चाहता सौ में से एक आदमी होता है जो नींद डरता जैसे ये है इसको डर नहीं लगता बातें करते शुरू से ही नहीं करते कुछ लोग तो बहुत ही कबाड़ी होते हैं ना उनको नींद डर लगता ज़्यादातर लोग कपाड़ियाँ नहीं होते वो कैमरे पे आते भी डरते शायद होते हैं कोई नहीं तो हमारा जो रिमोट जॉब वाली वाले हैं इनका बिज़नेस ये बन जाएगा कि ये हेल्प करेंगे दूसरे लोगों को रिक्रूटमेंट एजेंसी टाइप बन जाएगी हम शुरू में हम फ्री में गाइड कर रहे हैं सबको कि आप जो है गाइडेंस फ्री है ना जैसे शाम भाई हैं शाम सर्वर की एक वेबसाइट है जहाँ पे वो फ्रीलांसर्स को नौकरी भी देते हैं वर्क चेस्ट डॉट कॉम ठीक है तो अब वो फ्रीलांसिंग सीखना है फाइवर पे जाके अब वर्क पे जाए करना है या वर्कचेस्ट पे आ जाओ मैं हेल्प भी कर दूंगा मजीद भी हेल्प कर दूँगा क्योंकि मेरी पोर्टल है मेरा कमीशन भी आएगा तो हमारा भी प्लान है कि हम भी इस तरह की आप लोग को भी वेबसाइटें बनवा देंगे अभी तो अभी तो काम पे तो लगे लोग डिमांड तो पैदा हो अभी तो यहाँ पर कोई कोरियन बार भी खा ही नहीं रहा तो दुकान मैंने खोल भी ली तो नहीं चलेगी पर मज़ा तो लगने दो तो लोगों को कि ये कुछ होता है डिमांड हो जाएगी अभी बहुत ज़्यादा फिर दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी तो इसी तरह फाइबर की वो फ्री गाइडेंस दें आप रिमोट जॉब की फ्री गाइडेंस दें ये रिमोट जॉब की फ्री गाइडेंस दें प्लस कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं क्या आप आके अगर नहीं समझ में आ रहा वन ऑन वन तो आप जैसे आपको मैंने कहा आप दस डॉलर जूम पे दे दें यहाँ दस डॉलर हम फिजिकल महीने के चार्ज कर रहे हैं दस डॉलर पंद्रह डॉलर आप घंटे का ले सकते हैं दस डॉलर क्योंकि अब आप, आप गोरों को बेच रही हैं ये तो गोरों को नहीं बेच रहे रिमोट जॉब की सर्विस खाली पाकिस्तानी का प्रॉब्लम थोड़ी है ये ये अमेरिकन का भी प्रॉब्लम है ये सिंगापुर का भी प्रॉब्लम है वो भी कहते हैं फिजिकल जॉब चाहिए तो उसको भी तो उसकी भी तो ट्यूनिंग करनी है अच्छा चलो बैठो हम तुम्हारे घर से जॉब दिलवा देते हैं वर्क फ्रॉम होम की जॉब दिलवा देते हैं उसको तो आप दिलवाओगी एक महीने की तनख्वाह लोगी तो दस हज़ार डॉलर मिलेंगे यहाँ में लगाओगी तो यहाँ पर तो दस डॉलर मिलेंगे तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम रिमोट जॉब को एक्सप्लोर करें इसके ब्रोकर बने इसके अंदर आएँ एक पूरी नई बुरी दुनिया है जो इसका बारे में आप पता नहीं आप कभी उस प्लैनेट पर ही नहीं गए थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग तो आप लोगों ने रिमोट जॉब वाला एंड रिमोट जॉब वाली फ़ेसबुक पे लिंकटिन पे सर्च करना है इनके साथ कनेक्ट हो जाएं या आपकी जॉब ढूंढने में मदद करेंगे अभी तो कोई चार्ज नहीं करते यूट्यूब भरेंगे सवाल के जवाब देंगे और आप इनके साथ इंटरव्यू भी करवा सकते हैं अगर आप किसी रिक्रूटर हैं तो भी इनको इंटरव्यू दे सकते हैं ये हमारे स्टूडेंट्स हैं सीख रहे हैं तो इस सीखने सीखने के दरमियान में हम चाहते हैं कि दूसरों की भी मदद हो जाए बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए वीडियो को उन तमाम लोगों तक शेयर कीजिएगा जो रिमोट जॉब नहीं जानते हों समझना चाहते हों बूझना चाहते हों कुछ करना चाहते हों और अपने खामखाई की गुरबत को ख़त्म करना चाहते होंकुम